Hey everyone, welcome back to my another vlog. मैं हूँ केशव तोमर, देहरादून उत्तराखंड से. आज की भी वीडियो बहुत अलग होने वाली है. हम जाने वाले हैं लाखा मंडल. लाखा मंडल एक रहस्यमय मंदिर है जो कि बहुत ही पुराना मंदिर है. वहाँ के जो लोकल गाइड है ना, हमें आज वही वहाँ के बारे में बताने वाले हैं, वहाँ की नॉलेज देने वाले हैं. तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाले हैं वो हमें वहाँ पे. तो मैं नहीं दिखने वाला आज, एक ये छोटी सी वीडियो मैं डाल रहा हूँ क्योंकि नॉलेजेबल है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ. यार जो भी नए आ रखे हैं, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल फर्स्ट, ताकि आप लोग ये मिस ना कर दो, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलेंगी आज जानने के लिए. कुछ अच्छी चीज़ें जान लें, क्योंकि इतनी नॉलेज शायद मुझे नहीं होगी वहाँ की कि मैं वहाँ के बारे में बताऊँ, बट उनको है. वो जो लोकल गाइड हैं बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे. तो यार मिलता हूँ आप लोगों से एक ब्रेक में, और मैं आप लोगों से डायरेक्ट वहीं मिलने वाला हूँ, मतलब वहीं पर बात करते हैं आप, ठीक है? तो ये वीडियो पूरी देखना, और अच्छी लगेगी तो कमेंट भी करना. मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. बाय. तो कहती है लाल रंग का जो है तीर्थयुग का है ये. अच्छा अच्छा, ठीक है जी. और ये द्वापर का है, कृष्ण भगवान के समय ना. और फिर जो है दो शिवलिंग उधर है, सतयुग और कलयुग. सतयुग का सफेद रंग का है, माता का मंदिर है, माँ चिता शिवलिंग है ना. पूरे 16 लाख शिवलिंग है, लेकिन और में किसी में नहीं दिखेगा. उसके अलग से ही उसकी जो है, जब से वो निकला जमीन के अंदर से. तो कहाँ है वो, मतलब 16 लाख जो है वो कहाँ पे? सब इस जगह 300 मीटर यहाँ पे. आज भी अभी भी खुदाई करेंगे ना कहीं, तो मूर्ति या शिवलिंग वगैरह ना, ये जो बीच का नहीं है सामने, पूरा मूर्तियों से भरा हुआ है. और जो 2007 में निकली खुदाई में, वो अभी देखेंगे आप इधर. अच्छा अच्छा अच्छा, ये हनुमान मंदिर पुराना देखे, ये तो हमारे पूर्वजों ने बनाया बाद में, उसके पांव के निशान डिजाइन में डाल देख रहे हैं. जैसे केदारनाथ शैली एक जैसी है, बद्रीनाथ हो केदारनाथ हो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि गाय के पांव के निशान की जो पूरे मंदिर में डिजाइन में डाल एक राजपूत हो ना नदी पास, तो सबसे पहले उन्होंने देखा मंदिर यहाँ पे. अच्छा, तब लाए हम लोगों को, सुमारी में पड़ता है पौड़ी में नी, वहाँ से हमारे पूर्वज आए. आज जैसे केदारनाथ में, जैसे केदारनाथ में ना, तो ऐसे यहाँ वहाँ केदारनाथ में भी तो रवाई का ही कोई उधर था, भेड़ पाले चुंगाने ना. फिर उसमें दिक्कत क्या हो जाती थी कि जैसे कभी संग्रांत आके पीछे हो जाती है ना, तो उधर गंगार से जो लोग आते बेचारे, वो कभी जो आगे आ जाते, कभी तो आवाज जब मेला खत्म हो जाता. तब हमने क्या करा कि एक फिक्स तारीख कर दी, 15 तारीख अप्रैल की. अच्छा अच्छा, 15 अप्रैल को था. शिवरात्रि में क्या है कि जैसे व्रत तो होता ही है सब जगह जितने भी शिवालय होंगे ना, लेकिन यहाँ का क्या महत्व तो है कि जैसे अमावस के दिन वर मांगने का, जैसे संतानी होती है ना, तो उस दिन आते हैं, मतलब व्रत के दूसरे दिन अमावस की रात को. अच्छा, अमावस की रात को क्या होगा, 4 पैर की पूजा होगी, और जो लेडी जो आएंगे ना उनको अंदर बैठाएंगे, और एक नजर से उनको जोत को देखना है. ठीक ठीक. तो पहले तो हमारे इधर लोकली आते थे अपने, जैसे आपके गढ़वाल से हो गए, हमारे जौनसार से, अब नीचे प्लेन से आना शुरू हो गया हम लोगों को. पता लगा अब, जैसे पिछले बार जो आए वो आए, उनके भी बच्चे हुए लड़के ना, और वो खुद लड़के लेके आ रहे थे यहाँ पे. अब इस बार 4 आ रहे थे, और 4 नीचे की थी और 9 हमारे यहाँ के थे, 13 थी इस बार भी महिला. पूरा गाँव यहाँ बैठा रहता है. ये कब के बने हुए हैं, ये जो बना रखी है ना ये डिजाइन? हाँ, ये सब उस समय के अभी गई है. द्वापर यानी 5,500 वर्ष होगी ना द्वापर जी. ठीक है ना जी. यहाँ पे 2 नाम है, जैसे एक लाखा मंडल हो गया, एक यहाँ मड़ा बुलाते हैं, आपने सुना होगा मड़ा ना, यानी मरा हुआ आदमी जो जीवित होता था. तो ये वाली जगह है वो, क्योंकि तभी इसका द्वार जो है पश्चिम को है, कि जो हमारे जो क्षेत्र के ना, तो जो मर जाते थे उनको इस साइड से लाते थे, आज भी लाते इधर से. अच्छा, तभी इसका द्वार जो इधर को है. तो क्या है कि जैसे धर्मराज है ना, जैसे 4 भाई है, बीच में खुद युधिष्ठिर महाराज जी जो धर्मराज के रूप में शिवलिंग के रूप में विराजमान है, ये उनके द्वारपाल है जय और विजय. मुकुट है, जैसे देवताओं का मुकुट, ये दानव रूप में है, जिनका माथे पे खोपड़ी निशान भी है, और जो मुकुट बना वो दानव जैसा बना हुआ है. तो यहाँ पे क्या होता था, जैसे जो आदमी जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता था ना, तो उसको इस जगह पे लिटाने पे जो है थोड़ी देर पल भर के लिए प्राण आते थे. इसलिए आते थे कि पहले हर आदमी जो बैकुंठ को जाते थे ना, तो जैसे कभी किसी ने भगवान का नाम भी न लिया हो, बिना भगवान नाम लिए तो मोक्ष मिल नहीं सकता ना, तब उनको यहाँ पे जो दोबारा मौका देते थे कि भाई उनके प्राण डाल के तब उनसे भगवान का नाम कहलवाते थे. ये वाली जगह है वो. आज जो सुरंग है जो नीचे जो रोड पे, वो ये है यहाँ से सेंटर उसका. क्योंकि ये वाली जगह है, कहते जो उनके लिए जो बनाया था ना, तो ये वाली जगह है, ये मंदिर जब दोबारा आए वो तब बनाया उन्होंने.
लास्ट समय पे ना, उसके बाद बद्रीनाथ से जो है तो यहाँ से खुला था पहले, बाद में यहाँ बंद कर दिया, नीचे से मुंह खुला है, वहाँ से नीचे से जो है जाते दूर तक जाते अंदर ना, नीचे से तो ये वाला पेज ना ये निकला है 2007 में खुदाई में, ये था ऐसे ऊपर ना गांव वालों का था, तो पता नहीं था कि इसके नीचे भी मूर्ति दबी है ना, तो सबसे पहले उधर शिव पार्वती की मूर्ति मिली किनारे में ना, तब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि इसके अंदर और भी मंदिर होंगे, तब ये विभाग ने सारे आ गए, विभाग ने खुदाई करी, इसके अंदर सूर्य भगवान जी विराजमान थे, वो निकाल के नहीं इसके अंदर रखी, पूरा मूर्तियों से भरा हुआ है। अच्छा, इसके अंदर लेख भी उस समय का, वो ब्रह्मलिपि पे लिखा ना, उस समय जो भाषा रही होगी ना, तो उन्होंने एक साल का पूरा जो 12 लाइन उस पे दी है, पूरे एक साल का विवरण है, तो वो पढ़ने में नहीं आता, बहुत विदेशों तक उसका जो ट्रांसलेशन किया नहीं पढ़ पाते उसको ना, बल्कि एक उसका शिला लेख का कई शिला लेख है यहाँ पे, वो निकाले भी रखा उन्होंने किसी राजा के समय का ना, चंद्रगुप्त के उसमें ना, कहते कि जो है उन्होंने भी किसी एक शिवलिंग यहाँ पे जो है वो स्थापना की थी, तो फिर हमने क्या करा कि जब इसके अंदर दिखाने पाते ना भरा हुआ नहीं पूरा, तो ये म्यूजियम का अप्लाई की थी, तो ये तुरंत बनाया भी। अच्छा, ये वाला अब इसके जो अंदर जो है वो लकड़ी के बन रहे हैं उसके, मतलब मूर्तियों को रखने के लिए, उसके टेंडर, हाँ उसके टेंडर लगाए भी ना, तो जो वो बन जाएगा तब इसकी मूर्ति निकाल के दिखाने के लिए, मतलब ना जो जनता जो आती है पब्लिक उनको, म्यूजियम टाइप हो जाएगा वो, उसके अंदर भी निकली वहाँ पे भी 7 महीने हुए कुल, जब इसको फाउंडेशन बना रहे थे तो अंदर मूर्तियाँ लगी नीचे, फिर इसको और आगे कर दिया, फिर अभी दिखेंगे वहाँ पे साइड में निकली, और ये भी प्राचीन गुफा है सामने ना, इस गुफा के लिए बोलते हैं इसके अंदर रहते थे बल। अच्छा, कौन सी सामने जो होटल सुपर दिख रहे ना आपको, थोड़ा सा दिख रहा है कोना, ये बड़ी है अंदर को, इधर को, इधर को बहुत बड़ी साइड के लिए ना, एक मंजिल ऊपर एक मंजिल की वाल ना, तो उस समय हमारे पूर्वज कहते थे 25 पैसे में दिहाड़ी में काम करते थे खुदाई का ना, तो उस समय भी खुदाई भी काफी वो निकले ना, तो कहते थे कि जो बाहर जितना भी जो सोना चांदी निकला ना, क्योंकि जो भी जहाँ भी मतलब मूर्ति का स्थापना, तो वहाँ उन्होंने जो है उसके नीचे सोना चांदी का जो है, क्योंकि बिना उसके जो है स्थापित नहीं होती ना मूर्ति, तो और फिर इसके नीचे उन्होंने अपना जितना भी जो बचा उनका वो सब इसके नीचे उन्होंने स्थापित कर दिया था नीचे, तो अंग्रेज लोगों ने क्या करा, बाहर तो उन्होंने निकाली लिया था ना, अब इसके नीचे उन्होंने क्या करा कि कोना नहीं इधर वाला अभी दिखता है थोड़ा वहाँ से ना, वहाँ से अंदर को रास्ता बना रहे थे सुरंग ना, कि नीचे से जो है माल को निकाल लेंगे, क्योंकि उन्होंने मशीनें लगाए बल ना, उन्होंने ये बोला कि पूरे विश्व का 2.5 रोज का भोजन जो है जीव जंतु से लेके कीड़े मकोड़े से इतने इसके नीचे जो है पांडवों ने रखा हुआ है, तो वहाँ से जैसे बल उन्होंने पहला फ्लोर खोला ना, इतने जहरीले निकले सांबे उड़ने वाले भी कि बहुत दूर तक भगा के ले गए, तो फिर ऐसे फटाफट बंद कर दिया, तो दिखता है ऐसे जल्द जल्दी में बंद कर दिया, तो आज भी जो बरकरार है, क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति है ना। यहाँ से बनाना चाह रहे थे रास्ता, तो नहीं बना पाए थे। अच्छा, ये जो टूट रहा हल्का सा, टूट रहा था नहीं, फिर ऐसे हल्का सा बंद कर दिया फिर वो तुरंत, तो आज भी बरकरार है मतलब इसके अंदर। तो क्यों बना रहे हो ना ये सुरंग निकालने के लिए ना? अच्छा, पूरे भारत से सोना चांदी तो लेगी और ठीक है ठीक है। इनके अंदर थे ना शिव पार्वती की मूर्ति थी विराजमान ना, यहाँ लक्ष्मी जी ने इसके अंदर निकाल कर रखी, यहाँ एक बार चोरी भी होगी ना मूर्तियों की, मूर्ति ले गई यहाँ से चोरी चुराई करके जो दिल्ली पकड़ी गई। कहाँ के थे वो? करनाल के थे सरदार लोग, बताओ कौन टेड रहा होगा ना, बार करोड़ों अरबों में भेज देते।